हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू अगेन ऑन माय चैनल ई लर्निंग विद सुमन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वर्कशीट नंबर 67। सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है बच्चों, क्लास हमारी 10th है और डेट हमारी है 19th ऑफ दिसंबर। जो सैटरडे को वर्कशीट आती है इंग्लिश की, वो वर्कशीट आज हम सोल्व कर रहे हैं इस वीक की सैटरडे वाली वर्कशीट। राइटिंग टास्क, आज की जो हमारी वर्कशीट का टॉपिक है क्या आया है हमारा, राइटिंग टास्क, राइटिंग स्किल से रिलेटेड। जैसा कि आप बच्चों को पता ही है, अब की बार हमारा स्टोरी राइटिंग नहीं आएगा। स्टोरी राइटिंग के स्पेस स्थान पर हमें क्या दिया गया है, एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ है जो कई बार हमारी वर्कशीट में, प्रीवियस वर्कशीट में भी हमारा ये टॉपिक आया है और इसको आपको बच्चों ध्यान से समझना है, ठीक है। जैसे हमारी स्टोरी में एक पिक आती थी, पिक को देखकर हमें कई बार स्टोरी कन्वे करनी होती थी, ठीक है। इसी प्रकार इसमें भी हमें एक बार चार्ट, एक ग्राफ दिया जाएगा, एक चार्ट दिया जाएगा और उस चार्ट को एनालिसिस करते हुए में पैराग्राफ लिखना है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जैसे पोल्यूशन पे भी आया है हमारा जो एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आई है, हमारी लास्ट में शेयर इंडस्ट्री पे भी आया था, आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड भी और पार्क से रिलेटेड भी हमारा एनालिटिकल पैराग्राफ आ चुका है। अब की बार जो हमारा बार चार्ट है वो कौन सा टॉपिक शो कर रहा है, देखो द बार चार्ट गिवन बिलो शोज द डिवोर्स रेट इन टू यूरोपियन कंट्रीज फ्रॉम ईयर 2011 टू 2015। देखो जो हमारा ये बार चार्ट है इसमें क्या दिखाया गया है, डिवोर्स रेट दिखाई गई है दो कंट्रीज की, दो यूरोपियन कंट्रीज हैं, कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर दिया गया फिनलैंड और दूसरा है स्वीडन। फिनलैंड और स्वीडन की क्या दिखाई गई है, डिवोर्स रेट कि 2011 में कितनी रही डिवोर्स रेट, 2011 में फिनलैंड की कितनी थी, स्वीडन की कितनी थी और जो ये फिर है आगे 2011 से लेकर 2015 तक ये हमारी क्या दिखाई गई है, ये दिखाई गई है यूरोपियन कंट्रीज, टू यूरोपियन कंट्रीज हैं फिनलैंड और स्वीडन। उनमें हमें फिर क्या करना, देखो मेक कंपैरिजन एंड राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ फॉर द सेम, हमें इनका कंपैरिजन भी दिखाना जहां पर रेलिवेंट बनता है कंपैरिजन। जैसे 2011 ईयर कौन से साल की दिखाई गई है, कौन से ईयर्स की दिखाई गई है, 2011 से लेकर 2015 तक, ओके 2015 में। अब देखो फिनलैंड है जो उसका जो ग्राफ है ब्लू कलर और जो स्वीडन है हमारा जो रेड कलर है, अच्छा रेड कलर, ठीक है रेड लगाओ। तो 2011 में जो फिनलैंड की जो डिवोर्स रेट थी कितनी थी, 30 से अबव थी, 40 से कम थी, मतलब 37 या 38 के आसपास थी और जो स्वीडन है स्वीडन की अबव 40 थी, ओके और जो फिनलैंड है उसकी बिलो 40 थी। अब देखो आगे 2012 में क्या हुआ, 2011 के कंपैरिजन जैसे 37-38 के आसपास थी तो और भी क्या हो गई, घट गई, डिक्रीज हो गई और 2012 में जहां ये तो डिक्रीज हुई है फिनलैंड की, तो स्वीडन की जो अबव 40 थी 50 के अराउंड पहुंच गई, तो यहाँ पर क्या हुआ, इसमें डिवोर्स रेट है जो स्वीडन की वो इंक्रीज हुई है। ये हमें सारी बातें अपने जो पैराग्राफ में लिखनी है, ओके। अब देखो नेक्स्ट 2013 में फिर जहां पर 2012 में डिक्रीज हुई थी डिवोर्स रेट, अबो 30 हो गई थी, मतलब 30 अबो कम हुई थी, 35 से भी कम रह गई थी, वही 40 के आसपास, 40 के करीब पहुंच जाती है, ओके। और यहां पर इस ईयर में 2013 में इसके मुकाबले जो है यहां पर इंक्रीज हुई है तो यहां पर डिक्रीज हुई है, फिर यहां पर इंक्रीज होती गई, जो फिनलैंड था उसमें जो डिवोर्स रेट है वो इंक्रीज होती गई और स्वीडन में जो डिवोर्स रेट है वो घटती गई, डिक्रीज होती गई। यही हमें अपने पैसेज में लिखनी है सारी बातें कि कौन से देश में कब डिक्रीज हुई कब इंक्रीज हुई। देखो डिवोर्स रेट इन फिनलैंड एंड स्वीडन, द बार चार्ट कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ डिवोर्स इन टू डिफरेंट रीजन इंक्लूडिंग फिनलैंड एंड स्वीडन। हमें दिखाना है कि जो हमारा बार चार्ट है उसमें क्या कंपेयर किया गया है, बार चार्ट कंपेयर्स द स्वीड्स का भी हम लिख सकते हैं, द बार चार्ट शोज द या कंपेयर्स द परसेंटेज ऑफ डिवोर्स इन टू डिफरेंट रीजन इंक्लूडिंग फिनलैंड एंड स्वीडन बिटवीन 2011 टू 2015। फ्रॉम ए जनरल पर्सपेक्टिव वेरियस ट्रेंड्स इन द डिवोर्स रेट कुड बी फ्रॉम ए जनरल पर्सपेक्टिव वेरियस ट्रेंड्स इन द डिवोर्स रेट्स कुड बी ऑब्जर्व
इंक्लूडिंग ए ग्रोथ इन फिनलैंड एंड रिडक्शन इन स्वीडन। अब हम बार चार्ट है जो उसकी हेल्प से इसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग डिवोर्स रेट जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इंक्लूडिंग क्या मतलब क्या इंक्लूड करते हुए दिखाया गया है, ग्रोथ इन फिनलैंड की किस प्रकार डिवोर्स रेट में फिनलैंड में जो है ग्रोथ हुई है, और रिडक्शन जो डिवोर्स रेट घटी है वो स्वीडन में किस प्रकार। ठीक है, इन 2011 स्वीडन डिवोर्स रेट वाज द हाईएस्ट टू कंपेयर द फिनलैंड। देखो फिनलैंड की बजाय स्वीडन में डिवोर्स रेट जो थी ज्यादा थी 2011 में, नियरली 45%। कितनी थी, नियरली 45%, स्वीडन में नियरली 45% है। ओके, अब देखो 45% एंड अंडर 40 रिस्पेक्टिवली, और वहां पर अंडर 40 थी, 30 अबोव थी, 35 से अबोव थी, अंडर 40 थी कहां पर, फिनलैंड में। स्पेशली इन 2012 द प्रोपोर्शन ऑफ डिवोर्स इन स्वीडन रीच्ड ए पीक ऑफ नियरली हाफ। अब 2012 में जो थी स्वीडन की जो डिवोर्स रेट थी वो मतलब नियरली हाफ मतलब बढ़ गई थी, पीक पर पहुंच गई थी, वाइल दिस फिगर फॉर फिनलैंड के बॉटम, जबकि फिनलैंड में ये क्या हुई थी, डिक्रीज हुई थी एंड स्टे एट जस्ट ओवर 30%, जस्ट मतलब थोड़ी सी ऊपर ही थी, जस्ट अवे जस्ट ओवर 30% से। इस ईयर में 2012 में क्या हुआ था, फिनलैंड में तो डिक्रीज हुई थी और स्वीडन में इंक्रीज हुई थी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट फोर ईयर, फिर नेक्स्ट फोर ईयर्स में क्या होता है, स्वीडन डिवोर्स रेट वीकनेस से ह्यूज डिक्लाइन। मतलब हम क्या देखते हैं बार चार्ट की हेल्प से कि जो स्वीडन में डिवोर्स रेट थी वो डिक्लाइन होती चली गई, स्पेशली फ्रॉम 2012 टू 2015 इन विच द परसेंटेज सिग्निफिकेंटली ड्रॉप्ड बाय अराउंड 11%। लगभग कितनी नीचे गिर जाती है जो परसेंटेज है डिवोर्स रेट में, 11%, मेकिंग दिस कंट्री फेल बिहाइंड फिनलैंड। एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड फिनलैंड डिवोर्स रेट वाज हायर देन इन स्वीडन। जो फिनलैंड की डिवोर्स रेट थी वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है किसकी बजाय, स्वीडन की बजाय, क्योंकि स्वीडन में तो क्या होती है, स्वीडन में डिक्रीज होती जाती है, जैसा कि आपने देखा होगा 2012 में जितनी बढ़ना था बढ़ चुकी है, उसके बाद है जो डिक्रीज होती जाती है, लेकिन स्वीडन जो फिनलैंड है फिनलैंड में हर बार इंक्रीज होती जाती है। ये था मतलब हमें बार चार्ट जो दिया गया है इसकी हेल्प से, वैसे आपको एनालिटिकल करना है कि किसमें क्या है, क्या आपने मतलब क्या अंदाजा लगाया है इसको देखकर, बार चार्ट की हेल्प से आपको लिखना है एनालिटिकल पैराग्राफ, उसमें कंपैरिजन भी आपको दिखाना है। ये थी बच्चे जो आज की आपकी वर्कशीट आई है राइटिंग टास्क से रिलेटेड, 10th क्लास की हमारी जो वर्कशीट है, और एनालिटिकल पैसेज का जो ये टॉपिक है आपको अच्छे अच्छे बच्चों प्रिपेयर करना है अपने एग्जाम के लिए। ये एक नया टॉपिक है, इसको इसमें से कई वर्कशीट आ चुकी है, आपको प्रैक्टिस करके देखना, आपको ऐसे कोई बार मतलब चार्ट लेके और उसको आपको एनालिटिकल मतलब उसके पैराग्राफ बना के देखना है आपको। ओके बेटा, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।